मैंने जेट सिर झुका के माफी मंगा ना दी नहीं, सिर उठा के कच्चा ना दी हमने। फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट शुरू होंदी है एक अहम पैगाम दे नाल के इंतकाम ते इंसानियत दी जंग ने इंसान नु सिर्फ खंडर ते कब्रिस्तान दिते ने। इस तो बाद के इंसान ने इस जंग विचों कुछ हासिल नहीं कीता, लेकिन फिर भी ना ते इंसान इस फसाद तो बाज आया ते ना ही इंसान दी बर्दाश्त करन दी हद मुकी। इस पैगाम तो वाजा हुंदा है कि फिल्म अपने अंदर जंग खून खराबा ते ढेर सारी कहानियत लेके आई थी, जिस विच जिउंदे जागदे लोग लाशां दे ढेर बंडे दिसनगे ते हुन नाल भरी हुई धरती रोम खड़े कर देने वाले मनाजिर इस फिल्म नू और दिलकश ते दीदावर बना दे। मैं तेरे किट्टे तो लेके गड्ढे तक एंड टूटे करांगा, कि कबर तक पहुंचते तेनु अपनी मां दी इक्को आवाज आएगी। डायरेक्टर बिलाल लशारी ने कमजोर दिल वाले आवाते शायद बनाई नहीं, क्योंकि तोड़ा विच खुबदे गंडासे ते तलवारा नाल ढेर होंदे बंदे इंसान नू सख्त दिल भी होना चाहिए। फिल्म दे किरदारा नू हून विच पिजदियां वेख के उना दे जिस्म दे एक एक अज़ा नू वखो वख होंदियां वेख के बड़े बड़े दिल वाले दिल ते हथ रखण ते मजबूर हो जांदे। जदों मौला जट मौत दे खूह विच अपने खड़ाक दिखांदा है ते अपने वैरियां नू मारदा है ते उहदे वास्ते वाह वाह ते जे जे कार नाल पूरा मैदान चीख उठदा है, लेकिन जदों असल जिंदगी विच मौले नू मात होंदी है ते उसे मैदान विच इंज सन्नाटा छा जांदा है जिवें उत्थे रहण वालियां नू सब सुंग गया हो, क्योंकि जिस वेले जंग असल जिंदगी विच लगदी है इंसान जीत के भी बहुत कुछ हार जांदा है। ते शरीकां दीआं लाशां सुटदा सुटदा अपने कई प्यारे भी कब्रस्ताना दीआं जीमतां बना पैंदा है। इंसानी जंगो जदल दे इन्हां कालियां राहां दी सैर करांदी है फिल्म, इस दौर दी तरफ भी इशारा करांदी है, जिस दौर विच कार दे विच इक कुड़ी दा जम पैणा पैसे शर्म समझा जांदा सी ते कुड़ी नूं जमदिआं ही मनों मिट्टी थले दब दित्ता जांदा सी। ऐसे विच पैदा होंदी है इक ताकतवर औरत जो कि नूरी नत दी भैण दारो है। सरदारी दी पग सिर्फ ओहदे सिर ते आ सकदी है जिहदे नां दी दहशत तों हर दुश्मन दी औरत बांझ हो जावे। इस फिल्म दे विलन नूरी नत दा किरदार जो कि हमजा अली अब्बासी ने अदा किया है बहुत शानदार ते जानदार बना के पेश किया गया है। नूरी नत हजे निक्का जिहा हुंदा है कि वह अपनी भैण दारो नूं बचाण लई अपने प्यो दे नाल लड़ जांदा है ते नूरी दी भैण दारो वड्डी हो के कुछ इहो जिहियां चालां चलदी है कि तख्तो ताज ते बैठे हुए वड्डे वड्डे सूरमियां दे मूँह खुले दे खुले रह जांदे। और ये किरदार हमायमा मलिक ने बहुत खूब अदा किया है ते इहदे नाल भरपूर इंसाफ किया है। अपने वीर नूरी ते मान ते किसी गभरू जवान दे प्यार विच खो जाण दा किरदार हुमायमा मलिक ने बैक वक्त शानदार निभाया है। इस फिल्म दे बारी बरकम डायलॉग ते नासर अदीब दे लिखे गए शानदार स्क्रिप्ट ने फिल्म नू कहानी दी बुलंदी दित्ती। फिल्म दे सभी किरदारां ने बहुत अच्छे रोल अदा कीते ने, पर एक दो किरदारां दी पंजाबी जरा बेहतर होंदी ते फिल्म नू मजीद चार चंद लग सकदे सी। फिल्म दे हीरो फवाद खान ते माहिरा खान दी पंजाबी विच स्ट्रगल महसूस कीती जा सकदी है, लेकिन उसदे बावजूद फिल्म दा लेवल बहुत उच्चा है। फिल्म दा सब तो शानदार किरदार मनु नूरी नत दा लग्या है जो रज के जालम लेकिन असूलां दा पक्का ते किसे मर्द दा बच्चा है, लेकिन इहदे नाल नाल एक दिल वाला नौजवान भी है नूरी नत। जो किरदार हमजा अली अब्बासी ने अदा किया है ते उन्हें एक बारी फिर शाबाश। दूजी तरफ बेहतरीन किरदार अदा किया है मौले दी मां दानी ने, जड़ी मौले नू एक पीर दे मज़ार तू लैके आंदी है ते अपने पुत्रां वांगू पाल के जवान कर दिए, पर मौले दे खड़ाक ते दुश्मनियां ने उन्हों दुखां हंजुआं ते हावां तू वद के कुछ नहीं दिता। एक किरदार रहीला आगा जी ने अदा किया है जो पंजाबी फिल्मां दी मंझी हुई अदाकारा है। मौले दा इंतकाम पूरा हुंदा हुंदा एक मां दे सासु का छड़दा है जिन्हों वेख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अखां विच अथरू आ जाते हैं। नूरी दे प्यो दा किरदार शफकत चीमा जिहड़े कमाल दे पंजाबी अदाकार ने अदा किया है, बाकी अदाकार मिर्जा गोहर रशीद ते फाहिश फी ने भी काफी अच्छा काम दिखाया है। पर इस फिल्म नू अरूज ते पहुंचान वाले इस फिल्म दे सिंथेटिक ते इस फिल्म दे एंबियंस ने जो के बहुत ही लाजवाब। कैद विच नचदी कैदन ते मौले दीआं दाड़ां ने इस फिल्म नू फिल्मी बुलंदियां दे अरूज ते पहुंचा के दम लिया है। आसानी नाल इंसान दा कतलेआम ते उस कतलेआम तो बाद छा जाण वाले लंबे लंबे सनाटे इस फिल्म नू होर भी अमेजिंग बना दे। फिल्म दा क्लाइमैक्स बहुत उच्चा होना चाहिदा सी और मैं उच्चा ही एक्सपेक्ट कर रहा सी, लेकिन चूंकि फिल्म शुरू तो ही पर्दे दे उत्ते छाई हुई नजर आंदी है इसलिए
अरूज ते होने की बजाय सवाल पजीर नजर आंदा। उम्मीद करना तुहानू ये रिव्यू पसंद आया होगा। बहुत शानदार फिल्म है, जाके वेखो तुहानू स्वाद आएगा। Done.